तो पटना में बीपीएससी छात्रों ने एग्जाम नॉर्मलाइजेशन की अफवाह के बाद धरना दिया, जिसमें जमकर बवाल हुआ। लेकिन नॉर्मलाइजेशन है क्या, इससे स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या है, चलिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की हम कोशिश करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो है क्या जिस पर इतना बवाल मचा हुआ। तो सबसे पहले समझ लीजिए, एग्जाम कई सेट और शिफ्ट में कराए जाते हैं अगर ये प्रक्रिया होती है नॉर्मलाइजेशन की, तो क्योंकि इसी को लेकर बवाल उठा है। और प्रश्न पत्र कठिन और सरल होने की संभावना है, यानी एक दिन एक शिफ्ट में हो सकता है आसान पेपर आ जाए, दूसरी शिफ्ट में टफ आ जाए, इसको लेकर भी स्टूडेंट के मन में संशय बना हुआ था। आप समझ लीजिए अगला पॉइंट क्या है, एक परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाती थी, इसी को लेकर यह पूरा बवाल यहां पर शुरू हुआ था। स्टूडेंट की मांग यही थी परीक्षा एक ही दिन हो, एक ही शिफ्ट में हो, पहली शिफ्ट का पेपर दूसरी शिफ्ट की तुलना में कठिन होता है, यानी अलग अलग पेपर आते हैं, पहली शिफ्ट वालों को अलग पेपर आएगा, दूसरी शिफ्ट वालों को अलग क्वेश्चन पेपर आएगा, दोनों में से कोई सरल हो सकता है कोई कठिन हो सकता है, जिससे स्टूडेंट के मार्क्स पे काफी असर पड़ सकता है। यानी पहली शिफ्ट में बैठने वाले छात्रों को कम अंक मिलेंगे क्योंकि आसान उनका पेपर माना जाता है, इस तरह के तर्क जो हैं इस पूरी प्रक्रिया में दिए जाते हैं। वहीं दूसरी शिफ्ट की बात करें, बैठने वाले छात्रों को ज्यादा अंक मिलेंगे, ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे विवादित हिस्सा था, इसको लेकर विवाद हो रहा था। यानी दूसरी शिफ्ट में बैठने वाले जो छात्र हैं, पहली शिफ्ट के छात्रों के अंकों के साथ उन्हें एकदम से बराबर किया जाएगा, ये पूरी प्रक्रिया ही विवादित थी, जिसको लेकर स्टूडेंट सड़कों पे उतरे और उन्होंने वहां पर विरोध किया। छात्रों का कहना था लगातार इस डिमांड को लेकर कि हम चाहते हैं एक ही दिन एक ही शिफ्ट में यहां पर पेपर हो। तो छात्रों का कहना था, आप समझ सकते हैं कि दूसरी शिफ्ट के छात्रों के बराबर अंक जो है वो लाए जा सके, आप समझ सकते हैं। पूरी तरह से समझिए, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो विवादित हो गई थी। तो छात्रों का कहना था कि नॉर्मलाइजेशन से उनके अंकों पर असर पड़ेगा और मेरिट लिस्ट में उनका स्थान नीचे चला जाएगा। बीपीएससी ने अब साफ किया कि एग्जाम नॉर्मलाइजेशन का कोई इरादा नहीं है, लेकिन पटना में बवाल मचा और काफी विवाद भी हुआ। बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर राजनीति भी तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा जिसमें नॉर्मलाइजेशन के अलावा परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग की गई। छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को घेरते दिखाई दिए, जिनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज करना कहां का न्याय है। इसके अलावा आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने गंभीर आरोप लगाया है। जिस प्रकार से बर्बरता से जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के शैडो पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। आप बताइए, जो छात्र हैं वो पढ़ेंगे भी, अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे और इनको वोट भी देंगे और लाठी भी खाएंगे, ये कहां से न्याय है? जब बवाल मचा और पूरी तरह से पीट करके घायल हो गए कई नौजवान, अब शाम में फिर ये सफाई दे रही है बीपीएससी, तमाशा बना दिया। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से ऐलान किया है कि सिर्फ ये घोषणा से काम चलने वाला नहीं है, तो सरकार दबाव में आकर के साजिश तो थी ही करने की। इनके अलावा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी बेहद नाराज हैं। वो कहते हैं कि छात्रों को भड़काया गया है और वो जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज 24।